two isosceles triangle having equal vertical angle and their area are in the ratio 36:24. Find the ratio of their corresponding height. चलिए हम लोग दो यहाँ पे isosceles triangle ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक को ले लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ये देखो ये वाला वर्टिकल एंगल इक्वल है और इनके एरिया का रेशियो दिया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा ये निकालना है हमें। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, पहले तो पहले तो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू, क्या है जी, टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स हैविंग हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स इक्वल है यानी कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए टू, और ये भी दिया है इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 36:25। यहाँ पर टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड। यहाँ पे ए एम ले लेते हैं और यहाँ पे पी एन लेते हैं, ये भी तो हमें गिवन में लिखना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूँ कि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एन परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, ठीक है, समझे ना बात को। टू फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए एम बाई पी एन, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसके हाइट का रेशियो क्या होगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे पहले ही ये एक्चुअल में आइसोसेलस ट्रायंगल है, यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अच्छा आइसोस्केलस ट्रायंगल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा एंड एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा, ये होगा ना जी। अब देखिए और ये हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इधर हो जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम के इक्वल होगा क्योंकि ये सभी 180 180 होंगे। अच्छा ए को हम लोग नेम चेंज करके एंगल पी लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, एंगल बी ऐसे ही रहने दो, एंगल सी की जगह पे एंगल बी लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये एंगल पी रहने दो, एंगल क्यू और एंगल आर की जगह पे एंगल क्यू रख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से पी एंगल हटा देंगे, टू एंगल बी इक्वल टू में एंगल क्यू, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल और एंगल ए एंगल पी के इक्वल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा। तो दो चीजें तो हो गई, बी क्यू के इक्वल और ए पी के इक्वल, तो ट्रायंगल को अब सिमिलर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल तो ये गिवन नहीं है, और दूसरा हमने अभी दिखा दिया कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, तो काम तो बन ही गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हाइट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में ए एम का स्क्वायर बाई में पी एन का स्क्वायर। आपके पास एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो 36 बाई 25। यहाँ ए एम बाई पी एम पी एन का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए एम बाई पी एन का होल स्क्वायर इक्वल टू में 6/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं, ए एम बाई पी एन इक्वल टू में आ गया 6/5। इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए ए एम और पी एन का, तो यह रेशियो क्या हो गया, 6:5 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।